हे गाइस वेलकम बैक, मैं राजू राणा। गाइस आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी कलरफुल विंडो को कैसे ब्लैक एंड व्हाइट विंडो में चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या ऐप के। गाइस आप सभी ने नोटिस भी किया होगा, जब भी आप बहुत देर तक सिस्टम पे वर्क करते हैं तो हमारी आंखों और सर में पेन होना शुरू हो जाता है, और ये पेन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से होता है। अगर हम अपनी विंडोज को ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज कर दे तो हमारी आंखों में पेन नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें विंडोज के सर्च बार में जाना है और सर्च करना है कलर फिल्टर। अब इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ अपने कलर फिल्टर्स की सेटिंग को ऑन कर देना है। ये देखिए गाइस, वन क्लिक में पूरी विंडोज ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, और यहाँ आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ग्रे स्केल वाली सेटिंग का यूज करें, और सिंपली इसे ऑफ करने के लिए इस सेटिंग को ऑफ कर देना है। सो गाइस आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप अपनी कलरफुल विंडो को वन क्लिक में कैसे ब्लैक एंड व्हाइट विंडोज में चेंज कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।